तशरीफ ला रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे आप बैठेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी, जैसा आपने अच्छा माहौल बनाया हुआ है वैसे ही बना रहना चाहिए। आप उठ उठ कर ना देखें, वो यहाँ स्टेज पर आ जाएंगे, सबको नजर आएगा। साडी कौमी जुबान उर्दू सानू दिलो जान नाल प्यारी, पर पंजाबियों का भी कमाल है, ये उर्दू बोलने वाले जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इन्हें अजीब कमाल होता है, पर उर्दू बोलने वाले लड़ाई नहीं हो सकती, ये लड़ाई भी पंजाबी नू शर्फ हासिल है, पंजाबी सही लड़ाई कर रहा है, थुक सुट के लड़ाई ले लगी, उर्दू वाले बोलते ने लड़ाई नहीं कर, उर्दू का बच्चा जिहड़ा सी उर्दू बोलने वाला बच्चा वो किसी नाल लड़ता होवे ना तो उर्दू बोलने वाले का प्यो आके तो उन्होंने कहना नहीं बेटे सॉरी करो सॉरी अंकल है ऐसे नहीं झगड़ा करते, नहीं बेटा चलो मेरा बेटा खा जा, तो पंजाबी का जो बच्चा लड़ता होवे तो पंजाबी बच्चे का प्यो जिहड़ा वो आके उन्होंने कह देंदा वो बंदे नाल बच्चा वेख पैंदिया चल हां तू घर मेरे नाल गल कर, हां मामा किसी सियाने ने कहा भी उर्दू वाले जेड़े ने ना उर्दू बोले, मसलन इश्क जेड़ा है वो बड़ी पाक चीज है, वो कहते ने उर्दू बोलना किसी नाल एवें अचानक इश्क हो जाए ना, किसी नाल इश्क हो जाए तो 20 साल इजहार ही नहीं होता, सिर चो चिट्टा सूत्र बाहर आना शुरू हो जाता, दिल की गल जुबान पे नहीं आती, मतलब उर्दू बोलने वाला यही कहना रहता। वो प्रवीण, दरअसल आप जो मेरे किसी भरा का नाम प्रवीण है तो मैं माफी चाहवा, वो प्रवीण दरअसल आप बात नहीं समझ रही, एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा था आप मेरी बात को समझ फॉलो नहीं कर रही, तो पंजाबी जेड़ा जे इन इश्क हो जाए ये सीधी गल कर रहा, मैं गल समझ गए ना पीरो जी, लड़ाई नहीं होती इन्हें, वो दो उर्दू बोलने वाले आपस लड़न डे ने सेंटर के उन्होंने लकीर मारी, इन्हों लड़ाइया बड़ी जी, एक उर्दू बोलने वाला इधर दूजा इधर सेंटर च लकीर वाही, एक उर्दू बोलने वाला दूजे उर्दू बोलने कह दिया अरे चल चल तू इतना बड़ी भाई बना फिरता है तो लकीर फलांग की इस तरफ आ जा, तेरे चोचे ना करिए तो मेरा नाम पीरुद्दीन नहीं है, जो दूसरा उर्दू बोलने वाला उस पासे बोलन दे अरे चल चल तू इतना बड़ी भाई बना फिरता है तो लकीर फलांग के इस तरफ आ, तेरे चक्रे ना करिए तो मेरा नाम खैरुद्दीन नहीं है, वो कोल एक पंजाबी खलोता सी उन्हें आख्या यार अद्धा घंटा हो गया इनकी लड़ाई नहीं हो रही, चल मेरी जान शीफे आज इन्हें लड़ाई पे करा स्वाब ते कमा, उन्हें आखिया शर्त इन्होंने लकीर दी लाई है भी लकीर पार करनी है, उन्हें हाँ चलो इंजी करी, वो एक उर्दू बोलने वाले दे नाल कोल खलोता ने मोढ़े नाल मोढ़ा मार के ते क्या चल फाड़ा इन, वो उर्दू बोलने वाले कहना कहना इस तरह नहीं वो खुद आएगा, अच्छा ये ऐसे होते नहीं इन्होंने हाथ में पिस्तौल फड़िया होता है, अद्धी रात को मंजी से लेटे हाथ में पिस्तौल फड़िया, कोई चोर आया ना लड़ना नहीं कुछ नहीं कहना, उन्होंने चोर नू भी कहने नहीं भाई जान तू समझ ले कि मैंने तेरे को गोली मार दी अब तुझे इस तरह फ्री चल देने, ऐसे तो पंजाबी कई ऐसे कायनात के किसी हिस्से के चले जाओ थोड़ी जिनी ईको घटा दी बड़ी मेहरबानी, कायनात के किसी कोने च चले जाओ तुहानू चंगा मंदा बंदा जरूर मिल रहा है, कोई थोड़ा चंगा है कोई ज्यादा चंगा है कोई थोड़ा बुरा है कोई थोड़ा बुरा है, मसलन इसे तरह एक पंजाबी दी साडे माहौल बनते ने कभी हकीके ते कभी वलीमे ते मंगणियां ते शादियां ते है माहौल बनते ने पिंडां थावां च दूरों दूरों लोग आते ने माहौल बना हसन खेडन वास्ते, वो एक पंजाबी दी शादी हो गई पहली बारी शादी सी ओदी होई पहली बारी शादी तुसा कराई होवे तुहानू पता होवे, ये भी ऐसा काम है शादी वाला कि जेड़ा करा लेंदा वो भी पछतांदा जेड़ा नहीं करांदा वो भी पछतांदा, एक बंदे दी शादी हो रही सी ना तो बड़ा हसन डिया सी बाकी सारे वो कुड़ी नू टोरन वाले जेड़े उन्हूं रोण डए सन, वो बच्चा आया भजा भजा अपने प्यो कोलों पुछण लगा आबा जी साडी बाजी दा जिहदे नाल विआह होण डिया ये कला ही क्यों हसन डे है, कहना बेटा ये सिर्फ अज दा दिन ही हसेगा उस तो बाद इंशाला एदा रोना शुरू
और बकायदा कुड़ी नूं समझा के भेजिया हुंदा है मां ने, बेटा खावन दे अगे नहीं बोलना, सस दी भावें संगी मरोड़ दे। बंदा जिहड़ा सी एडा सादा सी, उहने जिंदगी च पहली बारी शादी की, उहनूं पता ही नहीं सी शादी हुंदी। उहदी मां ने कहा सी पुत्र मैं तेरी शादी करनी है, उह टाइम आ गया। उहने कहा मां तूं तां कहा सी मैं शादी करनी, कहिंदी कि पुत्र करन लगी। उह शादी होण लगी ते उह इक इहो जिहा चक दे विच उहदी शादी हो गई। उह जिसले कुड़ी नूं टोरन लगे ते हुण साडे रीत रिवाज है कि कुड़ी नूं टोरदे ने ते उह हल्का हल्का नाल रोंदे वी ने, रिश्तेदार भैणां भरा अंग साथ। उह जिहले सारे रोण लग पए ते उह लाड़ा हैरान हो गया, उहने आखिया इह की बण गया बई, मैं चंगी शादी करा बैठा सारे ही रोई जा रहे। उन्हें सोचा कि पता नहीं इतों की कुछ शायद रीत ही हो, मैं कि गलती तो नहीं करन दिया ना रो के। उन्हें आख्या रोना चाहिए, वो लाड़ा भी रोन लग। जवान हुई हुण इहदी शादी हो गई है, जुदाई पा के जा रही है, अपनी सहेलियां संगियां साथियां अजीजां रिश्तेदारां नूं छड्ड के जा रही है, यह तो इस जुदाई च रो रही है, तो तू क्यों रो रहे है? कहना मैं इस करके रोन दिया मैं जेडी 20 साल ताडे घर च रह के ताडी नहीं बनी, वो मेरी को नहीं बने। अच्छा ताड़ी खुल के मारनी असि किसी के गाने नहीं, खुल के ताड़ी मार। शहरां दे विच शादियां जिहड़ियां होंदियां उहनूं बड़ियां अजीब तरीके नाल होंदियां, मसलन बच्चा भी पढ़िया हुंदा है, बच्ची भी पढ़ी हुंदी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी दे विच चले जांदे ने, एक दूसरे नूं वेख लैंदे ने, मां प्यो नूं कह दित्ता, किसी ने चाचे की पसंद कर ली, ताए की पसंद कर ली, किसी जो एक दूसरे नूं कह लैंदे ने, पर यार ओ भाई हैलो ओ भाजी पर यार सवेरे दाल ला लैणा ताड़ियां खैर हुण बरकत पैण दे, तुसां तां सवेर फिर गनेरी आ जे मैं आलू पा भी देना ही याद ना बेटा ना बिच नहीं बोली ना। पिंडा थावां दे विच मसलन शादियां ऐसा होंदियां कि मैं मां प्यो ही रिश्ते तय करदे ने, ना कुड़ी नूं पता होंदा कि मैं किहदे घर जाणा, ना मुंडे नूं पता होंदा कि मैं किथे बर्बाद होणा। मसलन मां प्यो रिश्ता तय करदे ने, भाई बड़ी मेहरबानी है ताड़ी, तुसी की ये मसलन शोर कर रोना आया। उन्हें ऐनी करके वेखा हैलो टक टक टक, ओए तड़ा आपा किथे है? कहने की क्यों भाई यार कमाल है, बच्चे बच्चे फिर ने प्यो ने कहने की क्यों? कहना जी ओ बस ओ की करदा की? ओ कहना बस यही कुछ करदा, ए कुत खाना ही, कोई ऐसी गल नहीं। खामोशी ताड़ी बड़ी मेहरबानी, ध्यान मेरे रखो, ताड़े वास्ते असीं आए हां, बड़ा माहौल बनेगा, बड़ा मजा आएगा, मजा लवोगे तुसीं। ते साडे पिंडां थावां दे विच जिहड़ियां शादियां होंदियां ना उह इसे तरह ही होंदियां कि मां प्यो तय करदा, मसलन तय इस तरह हो गया कि भई कुड़ी दी मंगणी हो गई, शादी हो गई। उह पिंडां शहरां दे विच ते सिलसिले हो जांदे ने ना पसंद पसुंद दे, ते पिंडां च नहीं होंदे। पिंडां च इह होंदा कि भई शादी दी रात नूं लाड़ा गया, उहने घुंड चुकिया या तीन काने या पौ बार, वो इसे तरह शादी हुई ना, तो उन्हें आके ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैंने कुंड चुके आज इस वेले, बड़ी मेहरबानी बाकी 400 रह गए। उन्हें जिसले ऐसी करके कुंड चुके है अगे उन्हें को नजर ही कख नहीं आया, ने कप के वो ऐसे लगता ही जिवें सराड़े ने सूट पाया है। उन्हें बड़ा अखा इंज पाड़ पाड़ के वेख्या कि शायद कितने शक्ल नजर आवे, को अख मूह नक नजर आवे, नहीं नजर आया, घबरा जिया गया। हुण उस कुंड दे विचों आवाज आई है, सरताज सवेरे वली मैं ताडे रिश्तेदारां ने आना, मैनु दस दिओ किन्नू मूह विखावां ते किन्नू ना विखावां। ओ कहिंदा बीबी भैण मेरा आखरी दुख सुन ला, सवेरे जिन्हों मर्जी मूह विखाई अगे तो मैनू ना विखाई। जिहड़ा कायम ओ दायम रहे, असीं एक दूसरे नाल प्यार मुहब्बत करते रहिए, वंड के खांदे रहिए, मुल्क तरक्कियां करता रहे, तो फिर दुश्मन अल्लाह की मेहरबानी मैली अख करके नहीं वेखेगा, असीं उहदी अख काट दे आ जे मिले रहिए। सही है जी, इलेक्शन हो गए, साडे आर्टिस्टां ने भी विच हिस्सा लिया, आर्टिस्टां ने भी हिस्सा लिया, ते पिछली बारी जिस वे अखबार के आया से पिछली बार इलैक्शन हो तो उसे एबटाबाद के एक खुसरा भी इलैक्शन तक खलो गया। वो कहते ने मैनू एक बंदा कह लगा कि खुसरे जड़े ने कौम की अमानत ने, इन
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਖੁਸਰਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸਲਮ ਉਰਫ ਛਮੋ, ਅਜੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਉਰਫ ਆਸੀਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਰਫ ਨਰਗਸ, ਮਤਲਬ ਇਸਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸੁੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਗਏ। ਸਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਏ, ਥੋੜਿਆ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ